अच्छा, आपके बेटे का एज कितनी है? 14 है मैम, 14 14 इयर्स, प्लस 14 इयर्स। पर आप उसके लिए 14 ऐसे कर मैम, सकते हो कि कुछ दिन के लिए आए, डे सेंटर पे एक वीक को डाला, ले गए, फिर एक वीक और घर में डाल दिया, रेजिडेंशियल में डाल दिया, फिर ले गए एक वीक, ऐसे ऐसे करके सेंसिटाइज करके फिर आप पूरा ही छोड़ सकते हो। जब आपको विश्वास हो जाए कि वो ठीक है और हमें विश्वास हो जाए कि हम रख पाए, तो पूरा छोड़ दो, 1 महीने को छोड़ दो, 3 मंथ्स को अब ये छोड़ ऐसे दो। जब हम वर्क कराएंगे ना तो ही असेस कर पाएंगे, ऐसे देख के तो हो ही नहीं पाएगा। सामने देखो, सामने नहीं, जब वो कुछ देखो कुछ टास्क देंगे और तब उसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो ही असेसमेंट होता है। मैम, जो आपने हाँ नए मतलब आपने नई चीज बताया, जैसे कि कागज को फोल्ड करके उसका वैल्यू, मतलब और आगे आगे क्या चीज कर सकते हैं, और भी कई चीज जो आप बताए हैं, तो वो चीज मतलब नई जानकारी एक तरह से मिली और मुझे नई अच्छा चीजें, मिले, मतलब उस नई वहीं तक चीज सीमित नहीं जानकारी रहना, मिली। आगे भी हाँ, बढ़ना है आगे भी अपन को, ये एक ही करके चीज तो बढ़ना है। फिर वो हाँ रूटीन से आगे भी जाना, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप पे भी आपको मतलब जाना है, उस तरह की चीजें करनी है हमें। ओके तो अभी डिसाइड करो कि आपको आगे क्या करवाना है। सर्विसेज मैंने बता दी कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं।